जिस ग्रंथ में देखेंगे जो शूद्र है उस शूद्र को इंसान नहीं कहा गया है, शूद्र की कमाई हुई जो पैसे होते हैं उसको कहा जाता है कि वो ब्राह्मण ही भोग योग्य है, वो ब्राह्मण ही उसको भोग सकता है, लेकिन ये सरासर गलत है। ब्राह्मण कौन होता है मेरे अधिकार का भोगने वाला? यहाँ कहा गया, यहाँ तक कहा गया है कि ग्रंथों में तो है ना, हाँ ग्रंथों में है, इसको मैं मानता हूँ ग्रंथों में है, वो गलत है, एक मन गणंत ग्रंथ है, वो ग्रंथ नहीं है कोई। शूद्र केवल उनके लिए है जो मनुस्मृति को मानते हैं, हमारे तो कोई कास्ट ही नहीं है। सर जैसे ब्राह्मण तब तक सुकून से है जब तक उसको आपसे खतरा नहीं है, जब तक आप उसको ब्राह्मण की एक शब्द बता रहा हूँ मैं, वो बोलता है आप किसी को भी ब्राह्मण को बाबा ही बोलते हैं, वो आपसे दो पीढ़ी आगे है, आप बाबा किसको बोलते हैं? बाबा अपने पिताजी के पिताजी को बोलते ना हम, यानी आपसे दो पीढ़ी आगे है। एक ब्राह्मण का छोटा बेटा जब आप बाबा बोलते तो आपसे दो पीढ़ी प्लस है अपने से। इसलिए एक जो ब्रेन है ना इसमें एक भ्रम फायदा किया गया है, इस भ्रम में हमारे तो क्या इस भ्रम को तोड़ रहे हैं आप? हाँ, अगर भ्रम को नहीं तोड़ेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी गुलामी रहेगी। अगर कोई भी लड़ाई हुई आज तक हुई है ना, कभी हम बड़े महापुरुषों का नाम लेते हैं, उसमें किसकी जनसंख्या कितनी थी इस देश में, आपने कभी सोचा है क्या? पता है क्या आपको? पता ही नहीं है, क्योंकि वो इतिहास में पढ़ाई नहीं जाता है। एक अगर हमारे पिताजी शिक्षित होते तो वो युद्ध किए होते, अगर मेरे दादा शिक्षित रहे होते तो युद्ध किए होते, लेकिन जो शिक्षा हावी रही ना, जो मेजर प्रॉब्लम थी शिक्षा की थी। आज अभी ये इतने दिनों बाद ये विवाद क्यों उठा है, कभी कोई विचार किया क्या? कारण यह है ना कि अब लोगों को लगा है कि हमें संविधान की जरूरत है, मनुस्मृति की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा संविधान चाहिए। अगर मेरा संविधान तो बदलने की बात हो रही है देश में, कई लोग सर अगर संविधान बदला जाता है तो एक बहुत बड़ा क्रांति होगा, आंदोलन हो जाएगा। अब कौन करेगा आंदोलन? अरे हमारे जैसे लोग करेंगे, हमारे जैसे लोग बागी बनेंगे फिर संविधान के लिए। आपने कैसे सोच लिया? लेकिन कहा जा रहा है जो नया संविधान बना रहे हैं कुछ लोग, वो भारत की गति में बहुत तेजी नहीं, क्या गति में तेजी ला देगा? एक हरजन को बोल देगा तू हरजन है, तू पीछे रहना, पीछे लाइन में खड़ा होना। एक कुर्मी को बोल रहा तू मिडिल में रह, तू बीच में रहेगा। कौन सा कल्चर नहीं है? हमें कपड़ा पहनने का अधिकार वही संविधान ने दिया है, उसी संविधान से पहले हमें मिला है, और संविधान एक कॉपी है। आप पता है जिस जमीन पे हम खड़े हैं इससे 3 फुट से बेसी हमारी जमीन नहीं है। एक बार संविधान को हम पढ़ेंगे, जब तक शिक्षा आगे नहीं होगी, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक संविधान के इसलिए खराब बताया जाता है, समझ अपने को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि ये लोग हमारे पीछे घूमते रहे। झंडा ढोने वाले चाहिए ना, तभी तो हम राज करेंगे। जातिगत जनगणना का विरोध किया जा रहा है, क्यों नहीं करेंगे? अगर जातिगत जनगणना का विरोध नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चला जाएगा कि देश में कितनी किसकी कितनी परसेंट जनसंख्या है। अगर पता चल जाएगा, अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, कुर्मी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो कुर्मी बोलेगा मुझे 52% चाहिए, वो तो बोलेगा ना, इसलिए जनगणना नहीं करनी है। आप हिस्सा बंटवारा करोगे वो तो स्वाभाविक भाई, जब मुझे पता चल जाएगा इस घर में मेरा ज्यादा हिस्सा है तो मैं बोलूंगा कि मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम निहायती एकदम वो हैं, हमारे घर में अधिकारी नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो शिक्षित होंगे, हमारे कुछ लोग हैं, हमें हमारा हक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अगर ये भाई और यही मेरे में सीनियर हैं और ये लगता है कि किस योग्य है, तो हम बोलेंगे भाई तू जा सांसद में रख बैठ, हमारी बात को रखागे, हमारी समस्या वहीं दूर होगी। जब तक हम ऊंचे स्थान पे नहीं जाएंगे हमारी समस्या कभी खत्म नहीं होगी।